नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर भर्ती महाघोटाला। यहां पे दोस्तों पिछले एक महीने से आपकी उत्तर प्रदेश जो है बस कंडक्टर भर्ती, सुपरवाइजर भर्ती, जो कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती यहाँ पर चल रही है, जिस पर सुनने में आ रहा है बहुत अनियमितताएँ हो रही हैं। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कोई फिक्स नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख की मांग हो रही है, और हमें भी अब डाउट होने लगा है। शुरुआत में हमें लग रहा था हो सकता है लोग सिलेक्शन ना पा रहे हो इस वजह से, लेकिन यहाँ पे हम आज आपको विद प्रूफ दिखाएंगे और लोगों ने क्या कमेंट किए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है बेरोजगारों के साथ। इस पर हमारे जो है माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनको इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए या इसके लिए कोई क्राइटेरिया बना देना चाहिए। यहाँ बेरोजगार परेशान है, और यहाँ पे जो है अदर ये जो कंपनियां प्राइवेट जिनको दे दिया गया टेंडर, वो मनमाने तरीके से यहां पे दोस्तों शोषण कर रही हैं सभी का, तो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको डिटेल में भी दिखाने वाला हूं। तो इस पे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कहां कहां से कमेंट आए, किन किन भाइयों ने कमेंट लिया, हमने सभी के कमेंट भी मेंशन किए हैं। और एक चीज दोस्तों और बता दूं कि मैं इसमें अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, यूनिटी जरूरी है। अगर आप सभी जो है दोस्त भाई बहन इस पर साथ देंगे तभी कुछ हो पाएगा। मैं अकेला इस पर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ आऊंगा, आप अगर मेरे साथ खड़े हैं तभी कुछ हो सकता है। क्लियर है? तो वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना ताकि ये बात हाईलाइट हो, ऊपर तक हमारी ये बात पहुंचे कि यहाँ पे छात्रों और बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है, पूरी तरह शोषण किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस भर्ती में पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से होने वाला है, यही हमको भी बताया गया। ये हमने बात भी की थी और शायद मैंने एक वीडियो में आपको सुनाया भी था, डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया था जितना जल्दी आप फॉर्म भर दोगे उतना ही जल्दी आपको बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि हमने भी कई फॉर्म अप्लाई किए हैं, और हम लोग जैसे होता ना टाइमिंग स्टार्ट होने वाली होती है कि फॉर्म इतने मिनट बाद चालू हो जाएगा, हमने अप्लाई किया लेकिन नाम नहीं आया। तो यहाँ हमें भी थोड़ा सा शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे लेकिन हम थोड़ा उतना सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब सीरियस लेना पड़ेगा। 1 लाख 1.5 लाख रुपया मांग, 12,000 15,000 नौकरी के लिए, वो भी आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए, और उसको कब निकाल दी जाए कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए मांग भी हो रही है 1.5 लाख रुपए दीजिए, 1 लाख दीजिए, 50,000 दीजिए, क्या ये इंटरव्यू किस लिए हो रहा है? इस पे इंटरव्यू किस लिए हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गवर्नमेंट को कराना चाहिए, या तो आप मेरिट बेस पर फिक्स कर दीजिए कि घोटाला ना हो पाए। पता नहीं चल पा रहा है कैसे सिलेक्शन ले रहे हैं, किस बेस पर सिलेक्शन ले रहे हैं। मेरा जो है अगर ये वीडियो योगी जी तक पहुँचता है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनमें जो आप जितने भी जो है सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से भर्तियाँ हो रही उनमें सुधार किया जाए। यहां पे जो भी गरीब तबके वाले लोग हैं वही वहां पे जा रहा है, उनका शोषण बुरी तरह किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, कुछ कमेंट लेता हूं जहां पे बताया गया कि यहां यहां बुलावा आया है हम लोगों का। ऐसा नहीं है, एक चीज मैं बता दूं, भर्ती सही है, भर्ती में कोई डाउट नहीं, लोगों को लग रहा है फेक नहीं है, हो रही है भर्ती, लेकिन सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं लोग, तो लोगों को यह लग रहा है कि यह भर्ती फेक है। और ये कारण भी है सोचने का, मान लीजिए हमने 20 फॉर्म भरे या 50 फॉर्म हमने भरा और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो जाओ डाउट होगा माइंड कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्लियर हो गया? तो चलिए आइए अभी हम शुरू करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं कि यहां पे जो कमेंट आए हैं थोड़ा सा हम कुछ कमेंट ले लेते हैं तो चीजें क्लियर हो पाएंगी यहां पे। ठीक है, तो सभी दोस्त भाई यहां पे जो है जितने भी हैं यहां पे सपोर्ट करिए, चाहे वो आप भर्ती कंडक्टर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि हाईलाइट हो मामला। जब हाईलाइट होगा, अगर वहां पर जो है बात पहुंचेगी ऊपर तक, तभी इस पे कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये ऐसे ही करप्शन होता रहेगा। तो चलिए कमेंट लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम कमेंट ले रहे हैं यहाँ पे आपको हम दिखाते भी जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आपका कमेंट आया है, अभी देखिए सीधा बात करते हैं। विजय कुमार जी कह रहे हैं कि खुले आम 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, कोई फायदा नहीं भाई, मैं हरदोई वाली भर्ती में गया था इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू जो हो रहा है ना, पूरा खेल उसी के अंदर हो रहा है। विजय कुमार जी बताते हैं कि 1 लाख रुपए की मांग हुई है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। दूसरा कमेंट हम दोस्तों ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए रोजगार एक्सप्रेस इनका जो है ये कह रहे हैं मैसेज और कॉल आया था मेरे पास, ठीक है, 6 से 8 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ लखनऊ में, और मैं गया 8 तारीख को, अलग ही नौटंकी हो रही थी वहां पे, यानी कि इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है, जिससे पैसा ले लिया जा रहा है उसका सिलेक्शन ले कर लिया जा रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसको वहां से वापस कर दिया जा रहा है। सोचिए वो गरीब जो तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा रुपये की समय इतनी बेरोजगारी चल रही, वो वहां तक पहुंचे, फिर उनको चूतिया की तरह लौटा दिया जा रहा है। ठीक है, एक अभी और दिखाता हूं मैं, अंश कुमार हैं, इन्होंने बस सर मेरा नाम आ गया है और मेरे डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, सर क्या होगा प्लीज बताएं सर। तो मैं चाहता हूं अंश कुमार जी, अगर आपका सब कुछ हो गया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अभी तक आपको बुलावा क्यों नहीं आया है?
तो समझ रहे हैं ना। तो कुछ चीजें यहां पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देखिए यहां पे इनका जो है सुवाला अर्जुन, यहां पे इनके द्वारा कमेंट आया, मेरा 8 दिसंबर 2022 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है हरदोई में। क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं है, बुलावा आ रहा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर गड़बड़ी हो रही है। यानी कि अगर देखिए मेरिट बेस पे अगर इसको कर दिया जाता, मैं कह रहा हूँ मेरिट बेस पे कर दें, तो जिसका नंबर जितना होगा इनको कट ऑफ निकालना पड़ेगा। जब कट ऑफ निकाल लेंगे तो अगर ज़्यादा वाला बाहर होगा, अंदर वाला सिलेक्शन हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर इसको मेरिट बेस पे कर दिया जाए, मेरे एक सुझाव है, तो यहाँ पे करेक्शन बंद हो जाएगा, ये इंटरव्यू वगैरह नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे नियो सिंह लिखते हैं, जी हाँ सब ये नाटक है, 1,40,000 रुपए घूस मांग रहे हैं। नियो यहाँ पे देखिए नियो सिंह है, इनके द्वारा ये कहा गया कि 1,40,000 रुपए हमसे मांग की गई है। बताइए, बोल रहे हैं रुपए 1,40,000 दो वरना नहीं होगा, ये भी बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं लोगों के, तो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं, तो देखिए मैं एक बार आपको बता दूं कि धुआं वहीं उठता जब थोड़ा बहुत आग लगी होती, ठीक है ना। अगर इन लोगों का सिलेक्शन होता, इनसे मांग ना किया जाता, तो ये लोग क्यों बोलते। और देखिए इसलिए मैं कहता हूँ जो भाई बहन दोस्त वहां पे जाएं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि प्रक्रिया जिस पे एक भी रुपया ना लगा हो उसका सिलेक्शन हो गया, वो अगर काम करना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ वो हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्लियर हो अगर पैसे की मांग हो रही तो क्यों हो रही, किस बेस पर हो रही है, वो भी इस जो है गवर्नमेंट के अंदर जो जिस पे जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए, जहाँ पे पूरी तरह से करप्शन खत्म करने की बात कही जा रही बार बार, और ये बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं। तो इस पे जो है हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थोड़ा सा ध्यान दें कि जो दोस्त भाई बहन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बेरोजगार, उनके साथ ऐसा ना हो। 12,000-15,000 सैलरी है, उनसे 1,00,000 जो है 50,000 घूस मांगा जा रहा है, वो लोग क्या करेंगे बताइए, किस चीज़ का घूस मांगा जा रहा है, वो भी आउटसोर्सिंग की भर्ती, जो यहाँ पे कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है, अगर कोई भी कंपनी पकड़ में आती है तो उसका जो है तुरंत टेंडर जो है कैंसिल किया जाए और उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाए हमेशा के लिए। मैं चाहूँगा इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, मेरा निवेदन है अगर कहीं पर मांग होती है तो आप कुछ मत करिए, एक कोई प्रूफ निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए कितना हम लोग कुछ कर पाए, सपोर्ट हो पाएगा, कितना इसके लिए बवाल हो जाए, अगर एक आपको प्रूफ मिल जाए, क्योंकि अभी प्रूफ तो मिला नहीं है, लोग बता रहे हैं। तो मैं कोशिश यह करूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए, कोशिश करिए कि आप कहीं से रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई प्रूफ मिल जाए पैसा मांगने का, 100% उस कंपनी को हम लोग ब्लैक लिस्टेड करवा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन उसके लिए दोस्तों क्या है, सपोर्ट चाहिए सभी दोस्त भाई बहन का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो है इस पर जो करप्शन हो रहा है वो बंद हो जाए, नहीं तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा और कुछ हो नहीं पाएगा, जो भी बेरोजगार भाई बहन वो हो जाएंगे परेशान। हम देखिए अकेले हैं, हम अभी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा देखिए क्या काम है, हमें झूठ बोल के कुछ नहीं मिलता। कुछ लोगों का कहना सर आप झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। हमारा काम है आप तक, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें आती हैं उनको रिसीव करके आप तक पहुँचाना, आप लोगों तक योजनाओं को पहुँचाना, भर्तियों को पहुँचाना, संविदा भर्तियों को बताना, हमारा ये काम है। बाकी हमारे तरफ से कुछ भी ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, 100% तो नहीं लेकिन 99% भर्तियाँ हम लोग सही दिखाते हैं अपने चैनल पे, बिल्कुल आप श्योर रहिए। देखिए 100 में 100 नहीं हो सकता, क्योंकि 1% हम भी इंसान हैं, ऊप नीचे हो सकता है, लेकिन भर्तियों को लेकर बिल्कुल भी आप डाउट मत रहिए। हमारे चैनल पे जो भी चीज़ें लेके आते हैं वो भी अथेंटिक और 100% सही लेके आते हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना हाईलाइट करिए कि ये बात हमारी ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। क्लियर हो गया। ये मकसद ही मेरा वीडियो बनाने का था कि अगर करप्शन हो रहा हो तो उन कंपनियों तक पहुंचे, तो उनके अंदर थोड़ा कुछ डर आए कि भाई ऐसा अगर हो रहा है, अगर हम पकड़ में आ जाते तो हमको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अब सोचिए भर्ती जो टेंडर जो कर रही है कंपनियाँ, उधर से भी पैसा ले रही है, लड़कों से भी पैसा ले रही है, क्या तरीका ये है, बिल्कुल गलत हो रहा है। ये तो भर्ती प्रक्रिया जो पहले हो रही थी, उत्तर प्रदेश बस कंडक्टर की जो इससे पहले भर्ती हुई थी वो एकदम क्लियर हुई थी, कोई भी करेक्शन की चांस नहीं थी, क्योंकि वो भर्ती मेरिट बेस पे थी, पूरी लिस्ट निकलती थी इसमें, तो ये भी नहीं पता चलता कि फॉर्म कैसे आप जो है कंप्लीट कर पाए, नाम आएगा नहीं आएगा, वहाँ अपने मनमानी तरीके से जो है भरा जा रहा है, कोई वही नहीं है। मान लीजिए कोई 10 सीट है, 10 सीट में 5,000 लड़के भरे, उसमें से 10 उन लोगों को ले लिया जाएगा जिन्होंने पैसा दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर सुधार होना चाहिए। मेरा बार बार रिक्वेस्ट है कि इस पर सुधार होना चाहिए। दोस्तों प्लीज़ इतना शेयर करिए इसको और कमेंट जरूर करिए, बताइए कि हाँ ये सही है या गलत है, बिल्कुल आप लोग राय जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ सभी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी का सपोर्ट चाहिए।
तो दोस्तों अब इसी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको स्वतः दोस्तों मिलते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।